जो बात सुनी जाए अल्लाह के तासुर आपस के इख्तिलात एक दूसरे की खूबियों से फायदे उठाना है और एक दूसरे की खूबियों का लेन देन है, खूबियों का तामुल है। साथियों के अंदर खूबियां हैं लेकिन वो खूबियां नजर से नहीं आती कि नजर साथियों की खराबियों पर है, नजर साथियों की खराबियों पर है, खूबियों पर नजर नहीं है, इसलिए खूबियों का इस्तेफादा नहीं होता। एक खराबी देखेंगे तो 100 खूबियों पर पानी फेर देंगे। जी हाँ, ये वजह है खूबियों का तामुल, खूबियों का तबादला, खूबियों का लेन देन इसलिए नहीं हो रहा कि नजर किस पर है, खराबियों पर। जी हाँ, नहीं नहीं इस आदमी से, इस आदमी में कुछ नहीं है, इस आदमी में कुछ नहीं है, छोड़ो इसको। अगर एक आदमी के अंदर 100 खराबियां हैं और एक खूबी है तो हम उसकी एक खूबी का जिक्र करेंगे, 100 खराबियों का जिक्र नहीं करेंगे। तुम्हारे का कौल है ये, तुम्हें फरमाते थे कि बुराई को मारना है तो उसका जिक्र छोड़ो, इसलिए खूबियों के दाई बनो। ठीक है, खूबियों के दाई बनो, खूबियों के जाकिर बनो, खूबियों के तस्करे करो, बुराइयों के नहीं, बुराइयों के तस्करे, बुराइयों के तस्करे नहीं। समझते थे कि अखबार की इशाअत का मकसद है फहश को फैलाना, ये अखबार का मकसद है, अखबार का मकसद है कि फहश फैले, कि फहश को फैलाने वालों के लिए अजाब सख्त है और फहश को फैलाने वालों के लिए दोनों जगह अजाब है, दुनिया में भी अजाब है, आखिर में भी अजाब है। जो गलत बात की खबर सुनकर दूसरों को खबर करें उनके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत का अजाब। सुनो, फहश करने वाले के लिए तो आखिरत का अजाब है, वो भी अगर अल्लाह उसको माफ ना करे तो, अगर तौबा कर ले तो वो भी नहीं। आदमी फहश काम करे, जिना करे, चोरी करे, झूठ बोले, कुछ भी करे, कैसे फहश काम किया है अपनी जात से, तो अल्लाह चाहे इसको तौबा पर माफ करे चाहे इसको अजाब दे, यही कह रहा अजाब है। लेकिन फहश बात की इतला दूसरे को करने वाले के लिए दोनों जगह अजाब है, दुनिया में भी अजाब, आखिरत में अजाब। कुरान इसी तरह है, इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशीअ अल-फाहिशतु फिल्लज़ीन आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद्दुनिया वल-आखिरा। जी हाँ, दोनों जगह डरने की बात है। ऐसा नहीं है कि जो खबर सुनी आगे बढ़ा दी, जो खबर सुनी आगे बढ़ा दी, जो खबर सुनी आगे बढ़ा दी। हदीस में आता है कफा बिल्मरी कज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्ली मा समिअ, कि एक आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि सुनी हुई बात को आगे नकल कर दे, सुनी हुई बात को आगे नकल कर दे। और बेहया उसे कहते हैं जो गुनाह करने वाले से जाकर गुनाह की तहकीक करे, उसको बेहया कहते हैं, बेहया कहते हैं। किसी जाकर तहकीक करे, गुना करने वाले से जाकर पूछे आपने गुना किया है नहीं किया बताओ, वो सबसे बड़ा बेहया है। ये क्यों, उसने तो गुना छुप कर किया था, इसने अलानी आकर पूछा है और बेहया ही निकला कि इसको मुसलमान के गुनाह की तहकीक से हया नहीं है, इससे भी शर्म नहीं आ रही है कि मैं एक मुसलमान से गुनाह की तहकीक करूं। हाँ सुनो, तो मैंने आज किया अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो गए इनके पास हज़रत साहब के पास, जाके अर्ज किया कि मैं आपके साथ 3 दिन आपके साथ रहना चाहता हूँ। मकसद ये था कि इनकी इबादत, इनका जिक्र तिलावत, इनके अमाल वो देखूंगा, जो ये करें मैं भी करूँगा। तो रात को सारी रात जागे, 3 रात तक, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, शायद आज थके हुए हैं, कल करेंगे, वो 3 रातें गुजर गई। जी हाँ, ना इबादत, न तहज्जुद, न तिलावत, न जिक्र, कुछ नहीं, कुछ नहीं किया, तो सुबह हो गई। 3 रात के बाद कहने लगे कि करते कराते कुछ नहीं है और जन्नती आदमी बने हुए हैं। हाँ इसी तरह आदमी है, करते कराते कुछ नहीं, जन्नती आदमी, तो कैसे कि मैं उनके अमल को हकीर समझ कर वहां से चल दिया। मैंने तो सुना था कि आप जन्नती आदमी हैं, मैंने तो आपको कोई अमल ऐसा देखा नहीं जिसने आपको जन्नती कहा जावे। उन्होंने बुलाया, वापस बुलाया, कहीं यहां आओ, सुनो
कि जन्नती होने के क्या रास्ते हैं और जन्नती होने की क्या सिफात हैं। वापस बुलाकर फरमाया कि देखो मेरे अंदर एक सिफत यह है कि अगर अल्लाह ने किसी को किसी भी खैर से नवाजा है, इल्म से, माल से, दावत से, तो मुझे उससे उस पर हसद नहीं है। जी हाँ, मैं किसी के भी खैर के काम को देखकर खुश होता हूँ।